दोस्तों, जैसे जैसे 4 जून नजदीक आ रही है और इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, वैसे वैसे भारत की डिफेंस की जो पेंडिंग डील है वह सभी लाइमलाइट में आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट के बाद सरकार बनेगी, इन डील के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों की नज़र भारत के ऊपर है। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील की उम्मीद जता रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरह से जर्मनी इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है और अपनी सबमरीन को भारतीय नेवी के लिए पुश कर रहा है। वहीं अब ऐसी ही खबर राफेल फाइटर जेट को भी लेकर सामने आई है, जिसके ऊपर हमने सुबह टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज में बताया भी था। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि जिस तरह से लगातार फ्रांस अपने रेट को राफेल फाइटर जेट जो हमें देने वाला है उसके लिए बढ़ा रहा है, तो क्या भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन है और क्या हमारे लिए फ्रांस रेट को कम कर सकता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी के साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े भी हमारे सामने आए हैं, जिसने एक बार फिर से पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल दर साल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और हमने एक मैसिव ग्रोथ पिछले 10 सालों में इसमें देखी है। डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक और वीडियो में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर काफी सारे आर्टिकल देख सकते हैं कि राफेल फाइटर जेट डील को लेकर काफी सारी रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ा जो विवाद इस समय राफेल डील को लेकर शुरू हुआ है वह इसकी प्राइस को लेकर है, क्योंकि फ्रांस ने जो 2016 में भारत के साथ राफेल फाइटर जेट की डील एयरफोर्स के लिए साइन की थी, उससे लगभग डबल प्राइस राफेल एम के लिए कर दिया है। हालांकि अब आप यहां पर ये जरूर सोच रहे होंगे कि 2016 में जो डील साइन हुई थी, तब से अब तक 8 साल भी तो बीत गए हैं, तो ऐसे में पहले वाला रेट फ्रांस हमें क्यों ही देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद भी अगर आप रेट को बढ़ाते भी हैं, तो भी इतना महंगा राफेल भारत को नहीं पड़ना चाहिए जितना इस समय फ्रांस डिमांड कर रहा है। अगर आंकड़े में बताए तो भारत को 36 राफेल फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए में पड़ा था। हालांकि लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, रिपेयर, फैसिलिटी, इन सब को मिलाकर ये तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की डील पड़ी थी, लेकिन इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह भी। वहीं पर 26 राफेल एम यानी कि 36 से भी 10 कम राफेल फाइटर जेट भारत को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के पड़ रहे हैं, यानी कि 2 गुना प्राइस और 10 राफेल फाइटर जेट कम, जो कि एक काफी महंगी डील भारत के लिए पड़ सकती है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट की ओर से जो आकलन किया गया है उसके हिसाब से इस डील की जो मैक्सिमम रेट है वह 29,000 करोड़ रुपए पड़ता है, लेकिन फ्रांस की कंपनी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा डिमांड कर रही है। भारत में ऑलरेडी एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी, रिपेयर फैसिलिटी वगैरह एस्टेब्लिश है, इसीलिए राफेल एम अगर भारत खरीदता है तो भारत को ये सब फैसिलिटी दोबारा से एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारत को इतना महंगे में राफेल एम खरीदना पड़ रहा है, तो फिर भारत के लिए ऑप्शन में FA-18 फाइटर जेट आ जाता है, क्योंकि राफेल एम और FA-18 बिल्कुल सिमिलर फाइटर जेट है। लेकिन राफेल आगे इसीलिए है क्योंकि भारत ने ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल खरीदा हुआ है, लेकिन अगर इसकी प्राइस इतनी ज्यादा रहेगी तो भारत के लिए ऑप्शन में FA-18 जरूर आ जाएगा। दोनों ही फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने काफी सारी वीडियो बना रखी है। वहीं पर काफी सारे लोग ये भी सजेस्ट करेंगे कि भारत को अपने टेड बीएफ फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेड बीएफ फाइटर जेट बनने में अभी टाइम है और भारत का INS विक्रांत बनकर तैयार खड़ा हुआ है, इसीलिए भारतीय नेवी के लिए तुरंत फाइटर जेट की जरूरत है। अब वह भारत अमेरिका के साथ पूरा करता है या फिर फ्रांस के साथ जाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को इतने महंगे राफेल एम को खरीदना चाहिए या फिर हमें जाना चाहिए पहली बार अमेरिकी फाइटर जेट के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। फिलहाल जो डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े सामने आए हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। दरअसल सुबह की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे भारत की डिफेंस कंपनियां किस देश को हथियार बेच रही है ये हमें पता होना चाहिए और किन देशों को नहीं देना चाहिए वह भी पता होना चाहिए। इसीलिए इसके रूल एंड रेगुलेशन में
थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भारत ने लाई है और इसी रिपोर्ट में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े भी पेश किए गए हैं। दरअसल 2023-24 का जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट था उसने रिकॉर्ड 34% की ग्रोथ दर्ज की, लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय हथियार दुनिया के 85 देशों में जा रहे हैं। यहाँ भारत के गोला बारूद, राइफल, मिसाइल ये सब छोटे देश खरीद रहे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर विमान भी शामिल है। इसके अलावा बड़े हथियारों की बात करें तो आर्मेनिया को भारत द्वारा सप्लाई किए गए आकाश सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति रडार, कई विभिन्न प्रकार के एमुनेशन, साथ ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है। वहीं भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की ओर से भी कहा गया है कि आने वाले 1-2 साल में हमें इसमें दोगुने से भी ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय दुनिया भर में युद्ध का माहौल चल रहा है और काफी सारे देश अपने हथियार के जखीरे को बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया था कि हम भारत से अलग अलग तरह के हथियार खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, वहां से वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश भारतीय हथियार खरीद सकते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। वैसे दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट के इस मैसिव ग्रोथ के लिए क्या दोस्तों ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ही नतीजा है, हाँ या ना, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।